नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जून 2024 का हर लग्न और राशि के लिए हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मीन लग्न या राशि के लिए ये महीना कैसे जाने वाला है। यहाँ पे मैंने मीन लग्न की ये कुंडली है, पहले भाव यानी लग्न में 12 नंबर यानी मीन लग्न की ये कुंडली है। ग्रहों की पोजिशन देखते हैं, राहू आपके लग्न में बैठा हुआ है, केतु सप्तम भाव में है, शनि एकादश शनि कुंभ राशि में द्वादश भाव यानी आपके विदेश के भाव में बैठा है, दूसरे भाव में स्वराशि का मंगल है, तीसरे पराक्रम भाव में गुरु है और महीने के सेकंड हाफ में सूर्य शुक्र और बुध की युति हो रही है चतुर्थ भाव में। पहले 15 दिन तक ये ग्रह सभी तीनों भी जो है वो गुरु के साथ युति करके तृतीय भाव में रहने वाले हैं। चंद्रमा जो है वो पूरे मंथ में भ्रमण करते रहेंगे। अभी आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने कहा है राहु जो लग्न में बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस यानी आपका विचार, आपका मस्तिष्क, आपके राहु आपको स्ट्रेस दे रहा है और लास्ट मंथ में ये था कि इसके साथ मंगल भी जुड़ा हुआ था। 1 जून को क्या हो रहा है कि मंगल यहाँ से निकल गया है। लास्ट मंथ में राहु मंगल अंगारक योग था और उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। राहु जब रहता है तो राहु की वजह सामने नहीं आती है, समझ नहीं पाते, बट स्ट्रेस ज़रूर देता है। अब मंगल वहाँ से निकल गया है, थोड़ी राहत मिलेगी। मंगल अभी स्वराशि में है और आपका जो लग्न का स्वामी है जो पिछले मंथ में अस्त का था वो इस मंथ में उदित हो रहा है पराक्रम भाव में, तो डेफिनेटली आपकी पराक्रम में वृद्धि होगी इस मंथ में जून 2024 में। शनि आपके लिए विदेश के योग बना रहा है, मैंने आपको कहा है मार्च 2025 तक शनि विदेश योग बना रहा है। विदेश से रिलेटेड कोई भी कार्य आपके बन सकते हैं, विदेश से रिलेटेड कोई कंपनी में आपको जॉब लग सकती है। आप कुछ नहीं है तो आप घूमने का प्लान कर सकते हैं, बट विदेश से रिलेटेड कुछ ना कुछ अभी डिपेंड करता है आपके परमानेंट कुंडली के प्लैनेट पे, आपकी दशाओं पे। ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रैवलिंग का भी स्थान है, आपके इस टाइमिंग में ट्रैवल भले देश के अंदर ही क्यों ना हो बट ट्रैवल्स बढ़ सकते हैं मार्च 2025 तक। जून मंथ से एक शुरुआत अच्छी हो रही है क्योंकि गुरु अभी जो उन्होंने जो ट्रांजिट किया था पिछले मंथ में, 1-1.5 महीना हुआ है लेकिन वो जैसे ट्रांजिट किया था अस्त के हुए थे क्योंकि सूर्य की चपेट में थे। अब गुरु आपको सही में रिजल्ट देना चालू करेंगे जून मंथ से, पराक्रम में डेफिनेटली वृद्धि करेगा, आपके लोगों के साथ कांटेक्ट बढ़ेंगे, आपको फेम देने के लिए ये गुरु यहाँ पे आए हैं। डेफिनेटली आने वाले 1 साल में लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे। चतुर्थ भाव में यहाँ पे देखिए स्वराशि का बुध है, ये भूमि माता वाहन और आपका सुख स्थान है। यहाँ पे ये हो रहा है कि स्वराशि का बुध है, सूर्य है जो कि पंचम भाव का स्वामी है और वो भी अच्छी जगह बैठा है। आपको इस मंथ में घर से रिलेटेड कोई शुभ वार्ता आ सकती है, आप घर परचेस कर सकते हैं, नई व्हीकल परचेस कर सकते हैं, कोई लोग ये भी हो सकता है कि अपने घर में रिनोवेशन कर सकते हैं, घर का रिलोकेशन भी पॉसिबल है। यहाँ पे शुक्र भी है, ये सुखों में बढ़ोतरी करेगा, आप लग्जरी आप कंफर्ट पे थोड़ा सा ध्यान दोगे इस मंथ में। तो ओवरऑल देखा जाए तो चतुर्थ भाव से रिलेटेड माता के स्वास्थ्य में भी सुधार दिखेगा इस मंथ में। चतुर्थ भाव से रिलेटेड काफ़ी शुभ परिणाम आपको जून 2024 में मिलने वाले हैं, खास करके मंथ का सेकंड हाफ। उसके बाद में सप्तम भाव में केतु है, ये लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी अनबन दिखाता है इस मंथ में भी दिखाएगा, सिर्फ इस मंथ में एक पॉजिटिव क्योंकि गुरु की वहाँ पे दृष्टि है, तो वो अनबन जो है वो ज़्यादा विवाद में नहीं जाएगी, इसका पूरा ख्याल गुरु रख रहे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता यहाँ भी नहीं है। नवम भाव का जो स्वामी है मंगल वो दूसरे भाव में अच्छी जगह पे है, यहाँ से पिता के साथ भी संबंध सुधरेंगे, यहाँ पे आपके फैमिली बॉन्ड फैमिली के मेंबर्स के साथ भी बॉन्ड बढ़ेगा, सेविंग्स भी यहाँ पे ये मंगल आपके रखेगा। शनि भी द्वादश भाव में बैठ के आपके खर्चों में कंट्रोल कर रहा है बिकॉज शनि स्वराशि का है,
बेवजह का जहां भी आप खर्च कर रहे थे उसके ऊपर शनि ने अभी कंट्रोल लाया हुआ है, तो ओवरऑल शनि की पोजीशन भी आपके लिए सही है। आपका जो कर्मस्थान का मालिक है गुरु, वो उदय हो रहा है, तो कर्मस्थान को भी बहुत सिक्योर कर रहा है। ओनली एक ही है कि आपको जो एकादश भाव में जो गुरु की दृष्टि है वो नीच की है, तो जो भी यहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है इच्छा पूर्ति के स्थान में गुरु की नीच दृष्टि होने से, आपको एक चीज़ मिलने के बाद भी ऐसा एहसास होगा कि मुझे ये नहीं चाहिए था वो चाहिए था, वो नहीं चाहिए था वो चाहिए था, या मिल भी जाएगा तो उसमें आप एक उसके ड्रॉबैक्स ढूंढना आप चालू करोगे, तो आप उस पे फोकस मत कीजिए। जो मिल रहा है आपको शनि देने के लिए बैठे, गुरु देने के लिए बैठे, मंगल भी देने के लिए बैठे हैं, सूर्य शुक्र बुध भी देने के लिए बैठे, तो जो मिल रहा है उसका आनंद लीजिए, उसकी खुशी आप मनाइए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। जो निगेटिव है उन सब पॉइंट्स को आपको छोड़ देना है। ओवरऑल देखा जाए तो जून 2024 मीन के लिए अच्छा है, यहाँ से एक अच्छा स्टार्ट अभी आपको आने वाले मंथ्स में शुरू हो रहा है। ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।